সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। सबसे पहला गिफ्ट मुझे सांप ने दिया। तीन तीन किस दी उसने मुझे हाथ पर। सलमान जी आज ही मतलब हम आपके बर्थडे पे हर साल आते हैं, सुबह सुबह जो खबर आई वो फैंस के लिए भी थोड़ा दर्दनाक थी एंड इसीलिए सारे फैंस भी वहाँ आ गए थे क्योंकि सोशल मीडिया सभी को पता चले। हम चाहते हैं कि आप ही बताएं कि मतलब कैसे कुछ हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, वो एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे। तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो। तो फिर एक लंबी लकड़ी आई तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया। सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया। तो मैंने सांप को यूं ले लिया दूसरे हाथ में और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंदारी सांप है, तो उन्होंने जोर से चिल्लाया कंदारी कंदारी कंदारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंदारी है, उसको काटना जरूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर सावला 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 के काटा 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 काटा, इतना जोर से एक शोर हुआ तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तो उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहां पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है। वो जो कंदारी जो क्रेट है, क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस सांप को प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है, कैसी लग रही है आपको? हाँ तो बस वही है, ठीक है। तो हर एक सांप का एंटीवेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं। तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए प्यार से एहतियात से एकदम बच्चे की तरह। तो बताया गया कि ये चलो इसके ये सब ले लो, ये सब जो एक एक कंकॉक्शन होता है उनके पास कि आई थिंक क्रेट का वाइपर का कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हो। तो वो ले लिया एंटीवेनम और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पर रखा उन्होंने और ठीक ही था। वापस आया तो वो सांप उधर ही था, तो सांप को पकड़ लिया वापस से और उसको बहुत प्यार से छोड़ दिया। मेरी बहन काफ़ी डरी हुई थी तो मैंने उसको वो सांप से दोस्ती हो गई, तो उससे एक फोटोग्राफ लेके मैंने उसको छोड़ दिया। वो बेचारा भी एकदम घबरा के उसने काटा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बड़े एकदम शर्मा शर्मा के बेमुरबत है, जो टुछ टुछ तीन बार काट लिया, जहां जहां आवाज आई उसको ऐसा लगा वाइब्रेशन ऐसे कि काटना जरूरी था, उसने काट लिया। लेकिन ये अच्छा है कि ये हॉस्पिटल काफी इक्विप था, उनके पास हर सांप की एंटीवेनम था उनके पास। और यहाँ के हमारे विपिन कुमार साहब भी आ गए थे, जो यहाँ के कमिश्नर पुलिस है, संदीप नायक भी जो यहाँ के MLA हैं वो भी आ गए थे, तो काफी हेल्प हुआ। आपके फैमिली मेंबर्स भी कभी यहाँ प्रेजेंट हैं? जी 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 हाँ 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 नहीं हाँ डैडी ने पूछा क्या हुआ कि साहब जिंदा है, तो ऐसे हाँ टाइगर भी जिंदा है सांप भी जिंदा है। तो ऐसे तो मारा वाला तो नहीं सांप को, सांप को मारा वाला तो ऐसे नहीं, नहीं बिल्कुल प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। तो
नया साल भी आ रहा है तो किस तरह से सेलिब्रेट करने? बस कुछ नहीं, परिवार ही। जी हाँ जी हाँ, परिवार ही यहाँ पर बस, और कोई है नहीं। और ये जो माहौल चल रहा है, ये जो नया जो क्या ओमिक्रॉन जो आया है, तो उसका एक सबको एहतियात रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो पूरा परिवार यहाँ पर आया है, उनका रैपिड टेस्ट कराया गया और सब यहाँ पर सेफ है।